गहलोत सरकार में मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध के खिलाफ मारपीट और भरपेट खाना नहीं देने का आरोप लगाया है। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारी के ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र देकर भरण पोषण खर्च की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्नी और बेटा भरपेट खाना नहीं देते, जिससे वो परेशान होकर खर्च छोड़ दिया। उन्होंने प्रार्थना पत्र में पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए हर महीने भरण पोषण खर्च दिलाने की मांग की। मोती महल और कोठी दरबार निवास को खाली कराने की भी गुहार लगाई। बेटे अनिरुद्ध सिंह ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास फाइनेंशियली फ्रॉड और संपत्ति को गलत तरीके से बेचने के साक्ष्य हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर SDM कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पत्र में लिखा कि पार्थिव वरिष्ठ नागरिक है, हार्ट अटैक का मरीज है, 2 स्टेंट डले होने के कारण टेंशन सहन नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि उन्हें 2021-22 में 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए। पत्नी और बेटे ने उनकी कोई सहायता नहीं की, फ़ोन पर बात तक नहीं की। उन्होंने अपने पिता से वसीयत के जरिए प्राप्त संपत्तियों पर एकमात्र अपना स्वामित्व बताया। विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और बेटे ने उनके कपड़े फाड़कर कुएं में फेंक दिए, कपड़ों को जला दिया, कागजात के रिकॉर्ड आदि फाड़ दिए, गाली गलौज कर कमरों से सामान बाहर फेंक दिया, चाय पानी बंद कर दिया, खाना भी अधूरा छोड़ दिया। विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले लोगों को उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता है, बिना अनुमति के बाहर आना जाना बंद कर दिया, ड्राइवर भी हटा दिया। उन्होंने जान का खतरा बताया। उन्होंने पत्नी बेटे पर संपत्ति हड़पने का प्रयास का आरोप भी लगाया। विश्वेंद्र सिंह ने परिवारवाद में कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है और उनको एक कमरे तक सीमित कर दिया गया, गार्ड से भी दुर्व्यवहार किया गया, इसकी वजह से उसने जॉब छोड़ दी। उन्होंने बताया कि वो कभी सरकारी आवास पर रहते हैं तो कभी होटल में। उनका आरोप है कि जब भी वो भरतपुर आते हैं तो अपने निवास में घुसने तक नहीं दिया जाता। उन्होंने घर के स्टोर में करोड़ों रुपए की वस्तुएं तक छोड़ दी, 92 लाख के सोने चांदी के जवाहरात, ज्वेलरी और उनकी ओर से दिए गए 25 लाख के गहने पत्नी दिव्या सिंह के पास हैं। पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए हर महीने भरण पोषण के रूप में दिलाया जाए। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के बीच करीब 4 साल से विवाद चल रहा है। इसके कारण पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह मोती महल के बजाय अन्य निजी आवास पर रह रहे हैं। बीच में विश्वेंद्र सिंह के बेटे के ट्वीट भी विवाद में रहे।